Hey guys, welcome back to my YouTube channel Foodie Shweta. अभी जो है अंकी का बर्थडे है तो मैं और शिल्पा कुछ सरप्राइज उसके लिए प्लान कर रहे हैं, तो अभी हम दोनों जा रहे हैं उसी का शॉपिंग करने के लिए. तो चलिए मैं थोड़ा चेंज कर लेती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ और दिखाती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या शॉपिंग किया है. तो बने रहे इस वीडियो. जो होंगे बैंगलोर के उनको पता होगा कि अभी बहुत कंटिन्यूसली रेन हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने जैकेट पहन लिया है. तो अब हम लोग निकलेंगे. तो गाइज ये वाला ब्लॉग जो है अंकी के लिए भी बहुत सरप्राइजिंग होगा क्योंकि उसको भी नहीं पता है कि हम लोग कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं. तो इसमें जो है हम लोग उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं. सो गाइज ये ब्लॉग जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये ब्लॉग अंकी कम्प्लीटली सरप्राइज होने वाली है. हम लोग ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम लोगों को याद ही नहीं है कि उसका बर्थडे है. तो घर पे अगर वही मेंबर रहता है जिसका बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करने वाले थे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, और स्पेशली जब अंकी हम लोग को हर जगह लेके जाती है. तो अभी मैं और शिल्पा जो हूँ कुछ प्लानिंग हम प्लॉटिंग कर रहे हैं कि हम लोग किस तरह से सरप्राइज करेंगे उसको कि उसको भी नहीं पता चले. तो चलिए अभी हम लोग निकलेंगे. बट अभी वो बोल रही है कि चलो मैं भी लेके तुम लोगों को चलती हूँ, बट हम लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं हम दोनों ही चले जाएंगे. तो देखते हैं हम दोनों जाते हैं और ये प्लान जो है कितना सक्सेसफुल होता है, ये सक्सेसफुल भी होता है या फ्लॉप हो जाता है. बट मैं और शिल्पा पूरा ट्राई करेंगे कि हम लोग उसको सरप्राइज करें. तो आप जो है इस वीडियो में बने रहेंगे कि आपको भी बहुत सारे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं. तो चलेंगे अभी हम लोग जाएंगे डेकोरेशन का शॉपिंग करने के लिए. तो चलिए और मैं आपको लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ कि हम लोगों ने कौन कौन सा क्या क्या चीज़ लिया डेकोरेशन के लिए, और फिर आपको जो है आगे मेरे ब्लॉग में बने रहेंगे तो आपको देखने को भी मिलेगा कि हम लोगों ने कौन सा थीम रखा है. तो ये पूरा जो है मैं और शिल्पा प्लान कर रहे हैं. तो हम लोगों ने थीम जो है वो डिसाइड करके रख लिया है कि हम लोगों को कौन सा थीम रखना है. तो चलिए मैं चलती हूँ डेकोरेशन के शॉप में और देखती हूँ कि हम लोगों ने जो जो चीज़ें सोचा है वो हमें मिलता है या नहीं मिलता है. तो गाइस देख सकते हैं शिल्पा और मैं बिल्कुल रेडी हो गए हैं. अब हम निकलेंगे शॉपिंग के लिए और तब हम आपसे मिलते हैं. तो आप देख सकते हैं घर पे अभी सारे लोग टीवी देख रहे हैं और हम दोनों बस प्लान करके नीचे आ गए और हम लोग निकलेंगे शॉपिंग के लिए. तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ डेकोरेशन के शॉप में और दिखाती हूँ कि हम लोगों ने डेकोरेशन के लिए क्या क्या लिया. सेट बर्थडे के लिए हम लोग फुल एक्साइटेड हैं और हम लोग अभी जाएंगे. अभी जो है बैंगलोर में कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, तो बहुत ठंडा ठंडा मौसम है, तो बहुत मज़ा आने वाला है. तो बने रहिए इस ब्लॉग में, ये ब्लॉग आप लोगों को बहुत मज़ेदार मिलेगा. तो गाइस जहाँ मैं डेकोरेशन का शॉप में लेके जा रही हूँ वहाँ पे आपको लेटेस्ट वैरायटीज़ के बलून्स और डेकोरेशन के आइटम मिल जाते हैं, इसलिए हम लोग जो है यहाँ जा रहे हैं. ये हम लोग के घर से बहुत नज़दीक है, तो चले चलिए और लेके चलते हैं आपको. सो गाइस अभी देख सकते हैं मौसम कितना सुहाना हो चुका है और अभी जो है पूरा बारिश का मौसम रहता है, तो कंटिन्यूसली यहाँ पे बारिश होता है. तो मे बी चांसेस है कि अभी भी हो सकता है, बट हम लोग जाएंगे फटाफट अपना काम निपटाते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं. तो गैस यही है डेकोरेशन का शॉप. तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट वैरायटी के डेकोरेशन के आइटम मिल जाते हैं, तो इसलिए हम लोग हमेशा यहीं से डेकोरेशन का सामान लेके जाते हैं. तो जो भी आपका थीम है यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे आइटम आपको मिल ही जाते हैं. तो जो हम लोग ऑनलाइन चेक कर रहे थे वहाँ का प्राइसिंग और यहाँ के प्राइसिंग में बहुत का डिफरेंस रहता है, तो इसलिए हम लोग हमेशा इस दुकान में आते हैं और ऑलमोस्ट सारे सामान जो है आपको बर्थडे का हो गया या डेकोरेशन का हो गया वो यहाँ पर आपको मिल ही जाएगा. सुबह गाइज हम लोग पहुंच गए हैं शॉप में. अब हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोगों ने थीम लिया था उसके हिसाब से कौन सा बलून का कलर जाएगा नहीं जाएगा, तो मैं और शिल्पा वही डिसाइड कर रहे हैं. एक बार डिसाइड हो गया तो मैं आपको दिखाती हूँ हम लोगों सो गाइज़ यहाँ पे मैं अंकल से कुछ डेकोरेशन का आइटम मांग रही हूँ, तो अंकल यहाँ पे वही सर्च कर रहे हैं. तो फाइनली हम लोगों ने जो डेकोरेशन का आइटम चाहिए था वो हमें मिल गया है. तो चलिए अब हम लेते हैं अपना सामान और बिलिंग करवाते हैं और निकलते हैं घर की तरफ. कौन सा लिए है ये हम लोग इतना शॉर्ट लिस्ट कर चुके हैं, उसके बाद क्या अभी हम लोग का भी और लेना है
लेने के बाद आपको बताते कि हम लोगों ने क्या क्या किया। टॉपर वन, स्क्रीन दो, ऑयल बलून वन, और भैया आप कहीं हैं? हाँ मिलो। अभी क्या बड़ा एक ये बढ़ा और ये। So guys, हम लोगों ने कर लिया है बिल, अब हमने ये सामान घर, तो कल करेंगे हम डेकोरेशन। तो वीडियो बने रहे तो मैं आपको दिखाऊंगी और तो हे गाइज, हम लोगों ने डेकोरेशन का जो है वो शॉपिंग कर लिया है। तो आप देख सकते हैं हम लोग शाम में निकले थे और अभी जो है वो रात हो गया है, तब हम निकलेंगे घर की तरफ। तो अगर आप लोग में से कोई भी हो बैंगलोर की और तो यहाँ पे आप आ सकते हो, क्योंकि ये अंकल का बिहेवियर बहुत अच्छा था और इन लोगों ने प्राइस भी बहुत अच्छा लगाया था। तो आप अगर यहाँ के हो और अगर प्लान कर रहे डेकोरेशन के लिए तो आप यहाँ पर आ सकते हो। मैं इनका फ़ोन नंबर जो हूँ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इस ब्लॉग में बने रहिए तो आपको जो है हम लोगों का डेकोरेशन का थीम और हम लोगों ने कैसे अंकी का बर्थडे सेलिब्रेट किया वो आपको देखने को मिलेगा इस ब्लॉग में। तो हे गाइस, फाइनली हम लोग जो है अभी रात के 9 बजे घर पहुंच गए हैं और आई थिंक घर में कोई नहीं है। तो मैं घर का डोर ओपन करती हूँ और देखती हूँ कि कोई है या सारे लोग चले गए हैं बाहर घूमने के लिए। कोई भी नहीं है घर में, आई थिंक सारे लोग कहीं कहीं चले गए हैं, क्योंकि ये हम लोग कर रहे हैं सरप्राइज। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं और शिल्पा सरप्राइज कर रहे हैं, तो आई थिंक वो तीनों भी कहीं घूमने के निकल गए हैं। देख सकते हैं कोई भी नहीं है घर पे, पूरा घर खाली है, बस मैं और शिल्पा है। तो देखिए, हम लोग कल जब डेकोरेशन करते हैं तब अंकी को पता चलता है या नहीं पता चलता है। मुझे तो लगता है पता चल जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है कि उसे पता चलेगा या नहीं पता चलेगा? तो आप जो है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है। So, hey guys, हम लोग का डेकोरेशन स्टार्ट हो गया है। तो आप देख सकते हैं अंकी नहीं है, तो हम लोग भी डेकोरेशन स्टार्ट करेंगे। बट अब भी पता नहीं हम लोग कितने देर तक सरप्राइज रख पाएंगे, क्योंकि हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग जो है डेकोरेशन किस रूम में करें। तो चलिए देखते हैं हम लोग कहाँ पे डेकोरेशन करते हैं, कौन से रूम में डेकोरेशन करते हैं। तो एक बार हम लोग डेकोरेशन करके तब आपसे मिलते हैं, तब मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोगों ने जो थीम रखा था सोच के उस स्टाइल का हम लोगों ने डेकोरेट किया या नहीं किया। गाइस, हम लोग का प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया है। तो फाइनली जब डेकोरेशन होगा तो जो आप लोग देखेंगे हम लोगों का डेकोरेशन, नेक्स्ट लेवल का डेकोरेशन हम लोग करने वाले हैं। बाकी लोग बलून फुला रहे हैं, तब तक मैं जो हूँ ये स्टैंड रेडी कर ली हूँ। अब जो है हम इसमें बलून डालेंगे और उसके बाद अपना जो डेकोरेशन का काम है वो कंटिन्यू। बाकी लोग जो है अदर डेकोरेशन कर रहे हैं बलून का, तो मैं जो हूँ ये स्टैंड रेडी करती हूँ। तो आपको वीडियो देख के पता चल गया होगा हम लोगों का डेकोरेशन किस लेवल का जाने वाला है। तो आप जो है वीडियो में बने रहे हो तो आपको जो है प्रॉपर दिखेगा। तो अभी जो है मैं सारा इस पे अपना डिफरेंट डिफरेंट जो भी कलर का थीम है वो मैं बलून डालती हूँ और आपसे मिलती हूँ। सो ये रहा केक, अब हम करेंगे सेलिब्रेशन। तो देख सकते हैं सारे लोग ब्लू ब्लू पहन लिए हैं, व्हाइट एंड ब्लू, व्हाइट एंड ब्लू, इसलिए मैंने व्हाइट एंड ब्लू पहना है। ये भी ब्लू, ये ब्लू, ये ब्लू, ये ब्लू। चलिए अब हम करेंगे सेलिब्रेशन। यस, ऑल सेट। हैप्पी बर्थडे टू यू।
टर्न।